जब हम मूल्यह्रास की गणना करेंगे तो यहाँ पर हम मूल्यह्रास की गणना के लिए दो तरह की विधियों का प्रयोग करेंगे। एक तो स्थायी किस्त पद्धति, जिसे हम फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड कहते हैं, और दूसरा घटती किस्त पद्धति, जिसे हम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड कहते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि स्थायी किस्त पद्धति यानी कि फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है, गुण दोष क्या है इसमें, और फिर हम देखेंगे कि किस तरह किन फॉर्मूलों का प्रयोग करते हुए हम फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम जानें कि स्थायी किस्त पद्धति यानी कि फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड क्या है। जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि नाम से ही पता चल जा रहा है कि स्थायी किस्त यानी डेप्रिसिएशन की जो वैल्यू होती है, उसकी जो किस्त होती है, जो हम डेप्रिसिएशन साल दर साल कैलकुलेट करते हैं, वो स्थायी होता है, फिक्स होता है, एक ही अमाउंट हम हर साल लिखते हैं। यहाँ हमको ये जान लेना जरूरी है कि अगर इस अमाउंट को, डेप्रिसिएशन की अमाउंट को हर साल एक जैसा लिखा जाए और इसका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया जाए तो किस तरह की स्थिति प्राप्त होगी। तो आइए देखते हैं कि अगर स्थायी किस्त पद्धति को ग्राफ के द्वारा प्रस्तुत किया जाए तो क्या स्थिति प्राप्त होती है। 1 जनवरी 2006 को 50,000 रुपए का यंत्र खरीदा गया। प्रतिवर्ष 31 दिसंबर को स्थायी किस्त पद्धति द्वारा 10% की दर से ह्रास अपलिखित किया जाता है। 5 वर्षों के ह्रास को रेखा चित्र के द्वारा प्रदर्शित कीजिए। On 1st January 2006, a machine was purchased for Rs. 50,000. Depreciation is charged at the rate of Rs. 10% per annum on 31st December each year. Graphically represent the depreciation for 5 years. इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि 50,000 रुपए का एक यंत्र है। 1 जनवरी को खाता खोला जाता है और 31 दिसंबर को बंद कर दिया जाता है। स्थायी किस्त पद्धति से मूल्यह्रास लगाया जाता है जो कि प्रतिवर्ष 10% होता है, यानी कि 50,000 रुपए के यंत्र पर अगर हम 10% प्रतिवर्ष की दर से ह्रास लगाएंगे तो प्रत्येक वर्ष हमको 5,000 रुपए का ही ह्रास लगाना है। तो इसको हमको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हम पहले ओ एक्स अक्ष एक बनाएंगे, ओ एक्स एक्स एक्सिस, और हम फिर ओ से एक वाई एक्सिस बनाएंगे, और निश्चित दूरी पर हम 2006 से लेके 2010 तक यहाँ पर लिख लेंगे, 2006, 2007, 2008, 2009 and 2010 x-axis पे। और क्योंकि हमने जब depreciation calculate किया तो उसके लिए हमने देखा कि 50,000 का 10% यानी हमने 5,000 जो depreciation है वो find out किया। इस बात का हमको विशेष ध्यान रखना है कि ये स्थायी किस्त पद्धति है, fixed installment method है, तो एक साल जो depreciation हमने calculate कर लिया वही depreciation हर साल रहेगा। O y अक्ष पर हमने depreciation के amount लिखी है, 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 and 5,000. अब हम इसको graphically present करते हैं। Year 2006 में हमारा depreciation था 5,000. Year 2007 में हमारा depreciation था 5,000. Year 2008 में depreciation था 5,000. Year 2009 में depreciation था 5,000. और year 2010 में depreciation था 5,000. अब अगर हम इसको रेखा यहाँ पर खींचते हैं, लाइन खींचते हैं, ग्राफ बनाते हैं, तो हम देखते हैं कि सीधी सरल रेखा हमको प्राप्त होती है यहाँ पर। यही कारण है कि ये इस पद्धति को, क्योंकि ह्रास की जो राशि होती है, डेप्रिसिएशन की जो अमाउंट होती है, ये हर साल समान आती है, और इसके आधार पर अगर हम एक रेखा बनाएं तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक सीधी सरल रेखा हमको प्राप्त होती है। यही कारण है कि इस मेथड को हम फिक्स इंस्टॉल मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड या स्थायी किस्त पद्धति या सीधी रेखा पद्धति भी कहते हैं। तो आपने देखा कि किस तरह से जब स्थायी किस्त पद्धति के अनुसार हमने एक ग्राफ का निर्माण किया तो वहाँ पर एक सीधी सरल रेखा, एक स्ट्रेट लाइन हमको मिलती है। यही कारण है कि इस पद्धति को हम सीधी रेखा पद्धति या स्ट्रेट लाइन मेथड भी कहते हैं। ये रेखा बिल्कुल सीधी, बिल्कुल स्ट्रेट इसलिए मिलती है क्योंकि मूल्यह्रास की राशि हर साल समान थी। अब ये स्थायी किस्त पद्धति है क्या, कौन कौन सी विशेषताओं को अपने अंदर शामिल करती है, इस पर एक नज़र डालें।
तो यहाँ हम देखते हैं कि स्थायी किस्त पद्धति के अंतर्गत जब हम मूल्यह्रास की गणना करते हैं तो मूल्यह्रास की राशि की गणना हमको केवल एक बार करनी पड़ती है, और जितने साल का हमको मशीनरी अकाउंट या कोई भी फिक्स एसेट्स अकाउंट बनाना होता है, सिर्फ एक बार की गई कैलकुलेशन के आधार पर उतनी ही राशि हम हर साल डेप्रिसिएशन अकाउंट में डालते हैं। दूसरी इसकी महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि यहाँ पर हमको गणना जो करनी है, मूल्यह्रास की कैलकुलेशन जो करनी है, वो संपत्ति के मूल लागत पर यानी उसकी जो प्राइम कॉस्ट है उस पर ही हमको उसकी कैलकुलेशन करनी होती है। इस बात का हमको विशेष ध्यान रखना है, यानी जितने में हमने उसको परचेस किया प्लस लाने में जो हमने एक्सपेंस किया प्लस उसको एस्टैब्लिश करने में हमने जो एक्सपेंस किया, वो सब मिलके उस संपत्ति की प्राइम कॉस्ट बन जाती है। और जब तक हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं उस प्राइम कॉस्ट यानी कि मूल लागत पर ही हमको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना होता है। एक महत्वपूर्ण विशेषता इसकी ये होती है कि संपूर्ण मूल्य अपलिखित होने तक इसकी कैलकुलेशन की जाती है, यानी जब तक उस पूरी संपत्ति को राइट ऑफ ना कर दिया जाए, उसकी वैल्यू जीरो ना आ जाए, तब तक हम संपत्ति के प्राइम कॉस्ट में उसके फिक्स जो डेप्रिसिएशन होते हैं उसको हम घटाते रहते हैं। एक महत्वपूर्ण विशेषता इसकी ये भी है कि इसकी कैलकुलेशन करनी बहुत आसान होती है। एक बार हम प्राइम कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन कर लेते हैं, चाहे वो फॉर्मूला बेस्ड हो या फिर परसेंटेज बेस्ड हो, दोनों ही कंडीशन में इसकी कैलकुलेशन बहुत ईजी है, जैसे कि हम आगे देखेंगे। तो ये हमने फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड यानी सीधी रेखा पद्धति, स्ट्रेट लाइन मेथड या स्थायी किस्त पद्धति की विशेषताओं को यहाँ पर हमने देखा। अब हम देखें कि ये जो सीधी रेखा पद्धति या सरल रेखा पद्धति है, इसमें कौन कौन से गुण, कौन कौन से लाभ होते हैं अगर हम इस मेथड से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहला लाभ तो ये हो जाता है कि सरलता, बहुत इजी है, एक बार डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेते हैं और साल दर साल हम उसी को लिखते जाते हैं। कैलकुलेशन भी बहुत आसान होती है, फॉर्मूला बेस्ड होती है, उसके भी दो टाइप्स होते हैं, या तो हम अनुमानित जीवन काल और अवशिष्ट मूल्य के आधार पर कैलकुलेशन करते हैं, और या फिर हम परसेंटेज के आधार पर कैलकुलेशन करते हैं, जिसके बारे में हम डिटेल में आगे जानेंगे। फिलहाल यहाँ पर हम ये जान लें कि बहुत ही आसानी से हम इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। दूसरा इसका महत्वपूर्ण लाभ ये होता है कि यहाँ पर संपत्ति का मूल्य शून्य होते तक हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं, यानी उस संपत्ति को पूरी तरीके से राइट ऑफ कर दिया जाता है। जब वो संपत्ति पूरी तरीके से अपलिखित हो जाती है और तब जाके हम उस मशीनरी अकाउंट या फिर जो भी हमारा फिक्स एसेट्स अकाउंट है उसको हम क्लोज करते हैं। एक लाभ यहाँ पे हमको ये भी मिलता है कि समान राशि, मतलब हर साल कैलकुलेट करने की, हर साल डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ती। एक अमाउंट हम जो एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं जब हम मशीन अकाउंट बनाना स्टार्ट करते हैं तो, और उसी राशि को हम हर साल डेप्रिसिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करते जाते हैं। एक लाभ ये भी मिलता है हमको यहाँ पे कि लाभ हानि खाते पर समान भार पड़ता है। अगर हम इसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो हमको बार बार कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ती, बार बार हमको प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेशन की भी जरूरत नहीं पड़ती है। एक ही अमाउंट को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बार बार ट्रांसफर करते हैं तो समान भार, एक जैसा वेटेज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर पड़ता है। एक लाभ हम ये भी देखते हैं कि ये जो पद्धति है ये उन व्यापारियों के लिए उपयुक्त होती है जो कम मूल्य की मशीनरी का प्रयोग करते हैं, या फिर हम कहें तो उन संपत्तियों पर फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड यूज़ करना चाहिए जिनकी वैल्यू कम हो, क्योंकि हमने देखा कि इसको हमको शून्य तक, लास्ट तक हमको इसको राइट ऑफ करना होता है। तो कम मूल्य की जो मशीनें होती हैं वो जल्दी, हम अगर अकाउंट के दृष्टिकोण से देखें, लेखा बनाने की दृष्टि से देखें, तो कम समय में फिर वो अपलिखित हो जाएंगे। वैसे ही इसमें एक और गुण पाया जाता है कि मूल लागत पर इसकी कैलकुलेशन की जाती है, प्राइम कॉस्ट पे कैलकुलेशन करते हैं तो बार बार घटे हुए मूल्य पे कैलकुलेशन करने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। ये तो हमने इसके गुण, इसके लाभ को जाना, लेकिन इसमें बहुत सारे दोष भी होते हैं, बहुत सारी हानियां भी हैं इसके। आइए इसके दोष पर एक नज़र डालें। जब हम फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड का प्रयोग करते हैं तो हमको जरूरत पड़ती है स्क्रैप वैल्यू की, और स्क्रैप वैल्यू हम एस्टिमेट कर लेते हैं, अनुमान लगा लेते हैं, लेकिन सही सही अनुमान लगा पाना शायद कठिन होता है।
दूसरा दोष इसका ये होता है कि असमान भार पड़ता है, लेकिन हम लिखते हैं वहां पर समान भार यानी एक जैसा ही डेप्रिसिएशन। जैसे जैसे संपत्तियां पुरानी होती जाती हैं, हम उस पर कुछ व्यय भी करते हैं, कुछ अतिरिक्त व्यय करते हैं उनकी टूट फूट पे, मरम्मत पे। तो ऐसी कंडीशन पे हर साल एक जैसा ही डेप्रिसिएशन चार्ज कर देना कहीं ना कहीं थोड़ा सा गलत लगता है। तीसरा दोष एक ये इसमें देखने को मिलता है कि अगर किसी संपत्ति का विस्तार किया गया है तो बहुत दिक्कत आएगी। मान लीजिए भवन में कमरे कुछ बढ़ा दिए गए हैं, जैसे हमने उदाहरण देखा था कि सिनेमा हॉल में सीट की संख्या हम बढ़ाकर संपत्ति का विस्तार करते हैं, तो ऐसे कंडीशन में खर्च तो एक्स्ट्रा हो गया लेकिन डेप्रिसिएशन हर साल वही लगा रहे हैं। तो यहाँ पर फिर नई मशीनरी भविष्य में आगे चल के परचेस करने में या डेप्रिसिएशन एक जैसा ही कैलकुलेट करते में कहीं ना कहीं हानि की संभावना बनी रहेगी। तो ये एक दिक्कत भी आती है अगर हम फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड यूज़ करते हैं डेप्रिसिएशन के कैलकुलेशन के लिए। तो एक दोष इसका ये भी देखने को मिलता है कि संपत्ति का मूल्य शून्य तक ले जाना है ऐसा माना जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत कम मूल्य की संपत्तियों के लिए तो ये ठीक है, लेकिन अधिक मूल्य की संपत्तियों को तब तक डेप्रिशिएट करते रहना जब तक उनका मूल्य जीरो ना हो जाए कहीं ना कहीं कठिन लगता है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जीरो होते तक उस मशीन को हम यूज़ में लाएं। कई बार हमने देखा जैसे कि बहुत सारे कारण होते हैं मशीन को रिप्लेस करने में, दुर्घटनाग्रस्त हो जाए या फिर क्षतिग्रस्त हो जाए अन्य किसी कारण से, तो उस कंडीशन में फिर हम उसकी वैल्यूएशन कैसे कर पाएंगे, ये एक दिक्कत आ सकती है यहाँ पर। वैसे ही एक और बड़ी समस्या यहाँ पर तब आती है जब हमको न्यायालयीन प्रक्रिया के अंतर्गत आना पड़ता है, क्योंकि न्यायालय इस तरह के इस डेप्रिसिएशन मेथड को अमान्य घोषित कर देता है, वहाँ पर हमको फिर प्रॉब्लम होती है किसी भी कारण को या संपत्ति की किसी मूल लागत को प्रूफ करने के लिए। एक दोष इसका यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि अव्यवहारिक सा लगता है, कैसे हम संपत्ति का हर साल वही मूल्य वही डेप्रिसिएशन लिख पाएंगे, और अगर हम ऐसा लिखते हैं तो क्या हम एक समय की समाप्ति के बाद या अप्रचलन होने पर या अन्य किसी कारण से उस जमा राशि से उस फंड से क्या हम वैसी ही मशीनरी खरीद पाएंगे। तो बहुत कम इस मेथड का प्रयोग किया जाता है डेप्रिसिएशन के कैलकुलेशन के लिए, कहीं ना कहीं ये मेथड अव्यवहारिक सा लगता है। अब आइए मूल्यह्रास की गणना विधियों पर नजर डालें। मूल्यह्रास की गणना को यहाँ हम दो विधियों के आधार पर करेंगे। पहला है स्थायी किस्त पद्धति यानी फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, और दूसरा हम यहाँ यूज करेंगे क्रमागत ह्रास पद्धति यानी कि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। जब हम बात करते हैं स्थायी किस्त पद्धति की यानी कि फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड की, तो नाम से ही हमको समझ में आ जाता है कि इसके जो इंस्टॉलमेंट होती है यानी डेप्रिसिएशन की जो इंस्टॉलमेंट होती है वो हर वर्ष फिक्स होती है, एक ही वैल्यू पे हम मशीन की या किसी फिक्स एसेट्स की डेप्रिसिएशन बार बार करते हैं। अब हमको यहाँ पे देखना है कि गणना विधि क्या होगी, तो गणना विधियाँ भी किस बेस पे हम कैलकुलेशन कर रहे हैं इस पे डिपेंड करता है, यानी कि अगर हमको प्रश्न में जानकारी दी गई है उस संपत्ति के अनुमानित जीवन काल के बारे में और उस संपत्ति के अवशिष्ट मूल्य के बारे में यानी कि एस्टिमेटेड लाइफ एंड स्क्रैप वैल्यू के बारे में अगर कोई जानकारी दी गई है, तो इस कंडीशन में हम डेप्रिसिएशन यानी मूल्यह्रास की गणना के लिए जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो इस प्रकार होगा, वार्षिक ह्रास बराबर संपत्ति की लागत माइनस अवशिष्ट मूल्य बटे संपत्ति का जीवन काल, एनुअल डेप्रिसिएशन इक्वल टू कॉस्ट ऑफ मशीनरी माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ मशीनरी। यहाँ जब हम बात करेंगे संपत्ति के लागत की, तो संपत्ति के लागत में संपत्ति का क्रय मूल्य उसको लाने के व्यय यानी कि जहाँ पर हमको उसको स्थापित करना है वहाँ तक लाने के व्यय और उसके साथ साथ उसको उस प्लांट में स्थापित करने के व्यय भी उस मशीन की कॉस्ट में यानी कि लागत में जुड़ जाएंगे, इस बात का हमको विशेष ध्यान रखना है। तो जब इस तरह की इंफॉर्मेशन दी गई हो तो कैसे हमको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, आइए एक उदाहरण के द्वारा इसको और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। एक मशीन का क्रय मूल्य 90,000 रुपये है,
जबकि इसकी कार्य अवधि 15 वर्ष है। इस मशीन का अवशिष्ट मूल्य 30,000 है। वार्षिक हास की राशि निकालिए जबकि हास के स्थायी प्रभाग पद्धति प्रयोग की जाती है। इस प्रश्न में हम देख रहे हैं कि मशीन की जो वैल्यू दी गई है उसका क्रय मूल्य दिया गया है 90,000 रुपए और इसमें स्क्रैप वैल्यू यानी कि अवशिष्ट मूल्य दिया गया है 30,000 रुपए। एनुअल डेप्रिसिएशन अगर हमको स्थायी किस्त पद्धति से निकालना है तो जैसे कि हमने फॉर्मूले में देखा कि यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे एनुअल डेप्रिसिएशन इक्वल टू कॉस्ट ऑफ एसेट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट्स। वार्षिक मूल्यह्रास बराबर संपत्ति की लागत माइनस अवशिष्ट मूल्य बटे संपत्ति का अनुमानित जीवन काल। तो इस क्वेश्चन में हमको सबसे पहले चाहिए कॉस्ट ऑफ एसेट्स यानी संपत्ति की लागत, और संपत्ति की लागत जो संपत्ति का क्रय मूल्य है यहाँ पर 90,000 रुपए 90,000 रुपीज, उसी को हम संपत्ति की कॉस्ट यानी कि लागत मान लेंगे। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमको इसमें स्क्रैप वैल्यू यानी कि अवशिष्ट मूल्य को माइनस करना है और फिर हमको उसको डिवाइड कर देना है एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द एसेट्स, एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द एसेट्स जो कि 15 ईयर दिया गया है। तो ये हमारा हो जाएगा कॉस्ट ऑफ एसेट्स 90,000 माइनस स्क्रैप वैल्यू 30,000 अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द एसेट्स डिवाइडेड बाय 15। तो ये 90,000 माइनस 30,000 डिवाइडेड बाय 15 हम इसको करेंगे तो ये नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा एनुअल डेप्रिसिएशन वैल्यू इक्वल टू 60,000 अपॉन 15 इक्वल टू 4,000 रुपीज। तो आपने देखा कि संपत्ति की लागत संपत्ति के अनुमानित जीवन काल और अवशिष्ट मूल्य के आधार पर किस तरह से हम डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन करेंगे। अब आइए हम देखते हैं सेकंड कंडीशन, जबकि डेप्रिसिएशन के कैलकुलेशन के लिए हमको प्रतिशत या फिर दर दी गई हो, यानी कि मूल्यह्रास का अगर प्रतिशत निकाल कर दे दिया गया है तो उस कंडीशन में हम उस संपत्ति की का डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे। यहाँ हम बहुत सिंपल सा फॉर्मूला लगाते हैं, वार्षिक ह्रास बराबर संपत्ति के लागत मूल्य इंटू ह्रास की दर बटे 100। एनुअल डेप्रिसिएशन इक्वल टू कॉस्ट ऑफ मशीनरी इंटू रेट अपॉन 100। और बहुत आसानी से हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर सकते हैं परसेंटेज के आधार पर। तो आइए इसके आधार पर कुछ एक उदाहरण देखते हैं। एक मशीन का क्रय मूल्य 50,000 रुपए तथा इसके स्थापना व्यय 5,000 रुपए है। इसका अवशिष्ट मूल्य 5,000 रुपए है। इसकी कार्य अवधि 10 वर्ष है। वार्षिक मूल्यह्रास का मूल्य निकालिए जबकि ह्रास के स्थायी प्रभाग पद्धति का प्रयोग किया जाता है। इस प्रश्न में हमको स्थायी किस्त पद्धति का प्रयोग करते हुए वार्षिक मूल्यह्रास की राशि ज्ञात करनी है। एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर दी गई है जिसके बारे में हमने वीडियो में भी देखा कि संपत्ति का जो क्रय मूल्य होता है उसको लाने ले जाने के जो व्यय होते हैं, गाड़ी भाड़ा होता है, और फिर उसको एस्टेब्लिश करने यानी कि स्थापित करने के जो व्यय होते हैं, ये पूरे के पूरे व्यय संपत्ति की लागत मूल्य में जुड़ जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमको संपत्ति का क्रय मूल्य दिया गया है 50,000, इसमें हम स्थापना व्यय 5,000 रुपए जोड़ देंगे तो कुल मिलाकर संपत्ति की लागत हो जाएगी 55,000 रुपए। अवशिष्ट मूल्य हमको स्पष्ट रूप से निकाल कर दे दिया गया है 5,000, कार्य अवधि दे दी गई है 10 वर्ष की। तो अब हम इसका मूल्यह्रास निकालने के लिए स्थायी प्रभाग पद्धति का फॉर्मूला यहाँ पर यूज करेंगे। वार्षिक मूल्यह्रास बराबर संपत्ति की लागत माइनस अवशिष्ट मूल्य बटे संपत्ति का अनुमानित जीवन काल। एनुअल डेप्रिसिएशन ऑन इक्वल टू कॉस्ट ऑफ एसेट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द एसेट्स। तो यहाँ पर संपत्ति की लागत है 55,000 माइनस अवशिष्ट मूल्य है 5,000 डिवाइडेड बाय संपत्ति का अनुमानित जीवन काल है 10 ईयर। तो ये नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा एनुअल डेप्रिसिएशन इक्वल टू 50,000 अपॉन 10 इक्वल टू
5,000 रुपीज। एक मशीन 50,000 रुपए में क्रय की गई। हास की राशि 12% प्रतिवर्ष है। वार्षिक हास की राशि निकालिए जबकि हास की स्थायी प्रभाव पद्धति अपनाई जाती है। हमने देखा कि जब प्रतिशत दर विधि के आधार पर हम वार्षिक मूल्यह्रास की गणना करते हैं तो यहाँ पर, और दूसरी बात स्थायी प्रभाव पद्धति से जब हम वार्षिक मूल्यह्रास की गणना करते हैं तो यहाँ पर हम फॉर्मूला यूज करते हैं, वार्षिक मूल्यह्रास बराबर संपत्ति की लागत गुणित ह्रास का प्रतिशत बटे 100। एनुअल डेप्रिसिएशन इक्वल टू कॉस्ट ऑफ एसेट्स इनटू रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अपॉन 100। अब यहाँ पर प्रश्न में, क्योंकि संपत्ति की लागत उसकी उसके क्रय मूल्य को ही हम मानेंगे 50,000, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 12% दिया गया है और डिवाइडेड बाय 100 हम कर देंगे तो कॉस्ट ऑफ एसेट्स हो जाएगा 50,000 इंटू 12/100। और हम कह सकते हैं कि 50,000 के कॉस्ट की मशीनरी है और इस पर 12% हमको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, यानी कि हम 50,000 का 12% कैलकुलेट कर लें, 50,000 इंटू 12/100, तो 6,000 रुपीज हमको एनुअल डेप्रिसिएशन यहाँ पर मिल जाएगा। यानी हम ये मान लेंगे कि हमने प्रतिशत दर विधि के आधार पर स्थायी प्रभाव पद्धति से डेप्रिसिएशन चार्ज किया है 6,000 रुपीज। एक मशीन 1,00,000 रुपए में क्रय की गई। मशीन का अवशिष्ट मूल्य 5,000 रुपए है। हास की दर 10% वार्षिक है। मूल्य हास की राशि क्या होगी? अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मशीन की जो कॉस्ट है, जो लागत है, वो उसका क्रय मूल्य ही उसकी लागत है, 1,00,000 रुपए है। स्क्रैप वैल्यू दी गई है 5% और हास की दर दी गई है, तो यहाँ पर भी हम नॉर्मल रेट निकाल कर हास की दर हम निकाल लेंगे। लेकिन एक जो नई बात यहाँ पर, एक जो महत्वपूर्ण बात यहाँ पर दी गई है वो ये है कि इसमें मशीन की स्क्रैप वैल्यू भी दी गई है। तो पहले हम स्क्रैप वैल्यू को अलग कर लेंगे और फिर उसके बाद ही हम उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। यानी यहाँ पर हम फॉर्मूला लिखेंगे, वार्षिक मूल्यह्रास बराबर संपत्ति का लागत मूल्य माइनस अवशिष्ट मूल्य गुणित दर बटे 100। एनुअल डेप्रिसिएशन इक्वल टू कॉस्ट ऑफ एसेट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन 100 इंटू रेट। तो ये हो जाएगा हमारा कॉस्ट ऑफ एसेट्स 1,00,000 माइनस 5,000, यानी 95,000 हमारी कॉस्ट ऑफ एसेट्स हो जाएगी, इंटू 10/100। इसका हम 10% कैलकुलेट कर लेंगे तो डेप्रिसिएशन हमारा आ जाएगा 9,500। आपने देखा कि स्थायी किस्त पद्धति के अंतर्गत मूल्यह्रास की गणना किस किस आधार पर की जा सकती है। यहाँ जब हम दर की बात करते हैं तो एक महत्वपूर्ण बात आती है, दर के साथ प्रतिवर्ष शब्द या वार्षिक शब्द का दिया होना कितना महत्वपूर्ण है। परसेंटेज पर एनम लिखा जाना या परसेंटेज पर एनम ना लिखा जाना, केवल परसेंटेज लिख देना कितना महत्वपूर्ण है, क्या डिफरेंस है दोनों में। तो यहाँ हमको ध्यान में रखना है कि अगर फर्स्ट कंडीशन में संपत्ति में वृद्धि की तिथि दी गई हो, यानी कि कब हमने संपत्ति खरीदी या एडिशनल संपत्ति हमने कब खरीदी, अतिरिक्त संपत्ति हमने कब खरीदी या हमने संपत्तियों में वृद्धि कब की, अगर इसका इसकी डेट अगर स्पष्ट रूप से क्वेश्चन में दी गई है तो ऐसे कंडीशन में हम इन संपत्तियों पर डेप्रिसिएशन की गणना करते समय हमको ध्यान में रखना होगा कि अगर दर के साथ प्रतिवर्ष या वार्षिक शब्द दिया गया है तो मूल्यह्रास की गणना हमको अवधि के आधार पर करनी होगी। जैसे अगर यहाँ पर दिया गया है एक उदाहरण के तौर पर कि 1 अप्रैल 2020 को एक मशीनरी खरीदी गई जिस पर 10% प्रतिवर्ष की दर से हास लगाया जाएगा, तो एक तो यहाँ पर ये बात भी स्पष्ट रूप से दी गई है कि ये मशीन कब खरीदी गई, दूसरा दर के साथ प्रतिवर्ष शब्द भी दिया गया है और कंपनी अपने लेखे 31 दिसंबर को बंद करती है, तो इस कंडीशन में हम अवधि की कैलकुलेशन कर लेंगे। यानी अप्रैल में, 1 अप्रैल को हमने मशीनरी परचेस की और 31 दिसंबर को अगर
जो कंपनी है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज करती है, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि अप्रैल टू दिसंबर 9 मंथ का डेप्रिसिएशन हमको इस मशीन पे कैलकुलेट करना होगा। ये फर्स्ट कंडीशन, अगर दर के साथ प्रतिवर्ष शब्द दिया गया है तो, रेट के साथ पर एनम अगर दिया गया है तो, और साथ में कब संपत्ति खरीदी गई इसका स्पष्ट उल्लेख है तो। लेकिन दूसरी एक कंडीशन आती है जब संपत्ति वृद्धि की तिथि का उल्लेख ना किया गया हो, जैसे यहाँ पर ना पता चले कि संपत्ति कब खरीदी गई, कब संपत्ति में वृद्धि हुई, तो उस कंडीशन में फिर हम जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं वो पूरे वर्ष भर का कैलकुलेट कर देते हैं। इन संपत्तियों पर हम पूरे 1 साल का डेप्रिसिएशन चार्ज कर देते हैं। तो ये जो छोटे मोटे नियम है प्रतिशत के आधार पर गणना के, सूत्र के आधार पर गणना के, किन किस कंडीशन में कौन से सूत्र को हम अप्लाई करेंगे, इसमें हमको बहुत सावधानी रखना है जब हम क्रियात्मक प्रश्नों को हल करेंगे। तो किस तरह से हमको दर के साथ प्रतिवर्ष शब्द का प्रयोग किस तरह से किया गया है ये देखना है, और कैसे कैलकुलेशन करनी है इसको अच्छे से समझने के लिए आइए कुछ क्रियात्मक प्रश्नों को देखें। एक संस्था ने 20,000 रुपए के मूल्य की मशीन क्रय की तथा इसकी स्थापना पर संस्था ने 2,000 रुपए व्यय किए। इसका अवशिष्ट मूल्य 1,000 रुपए है तथा इसकी कार्य अवधि 10 वर्ष है। संस्था अपनी पुस्तकें प्रति वर्ष 31 दिसंबर को बंद करती है। निम्नलिखित दशाओं में 31 दिसंबर 2018 को मशीन पर अपलिखित की जाने वाली हास की राशि निकालिए। पहला, जब मशीन 1 जनवरी 2018 को क्रय की गई। दूसरा, जब मशीन 1 अक्टूबर 2018 को क्रय की गई। तीसरा, जब मशीन 1 नवंबर 2018 को क्रय की गई। इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि अलग अलग स्थितियों में यानी अलग अलग डेट के आधार पर मशीन की जो डेप्रिसिएशन वैल्यू आएगी वो भी अलग अलग होगी। एक तो हमको ये ध्यान में रखना है कि मशीन की जो वैल्यू थी वो 20,000 रुपए में तो वो क्रय की गई थी 20,000 रुपीज में, और 2,000 उसको एस्टेब्लिश करने में एक्सपेंस किए गए, यानी टोटल हम मान लेंगे कि कॉस्ट ऑफ मशीनरी है 22,000 और स्क्रैप वैल्यू इसमें से 1,000 है। कार्य अवधि इसकी एस्टिमेटेड लाइफ जो है वो 10 ईयर है। तो सबसे पहले तो हम इस पे एनुअल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेंगे, जिसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे कॉस्ट वैल्यू ऑफ एसेट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट्स। 22,000 माइनस 1,000 अपॉन 10 यानी ये हो जाएगा 21,000 अपॉन 10 इक्वल टू 2,100 एनुअल डेप्रिसिएशन। लेकिन क्योंकि यहाँ पर 31 दिसंबर 2018 को मशीन पर अपलिखित की जाने वाली हास की राशि 3 अलग अलग डेट के आधार पर हमको कैलकुलेट करनी है, तो यहाँ हम देखते हैं कि फर्स्ट कंडीशन, जबकि मशीन 1 जनवरी 2018 को क्रय की गई, तो ऐसी कंडीशन में 31 दिसंबर 2018 जो हम कैलकुलेट करते हैं, जबकि जो प्रश्न में दिया गया है, तो पूरे 1 वर्ष का हास अपलिखित किया जाएगा, यानी कि ये हमने जो अभी कैलकुलेशन की है जिसमें हमने 2,100 का डेप्रिसिएशन चार्ज किया है वो पूरा का पूरा 2,100 फर्स्ट वाला पॉइंट, जबकि मशीन 1 जनवरी 2018 को परचेस की जाती है, तो इसे यही एप्लीकेबल होगा इसके लिए, क्योंकि 1 जनवरी टू 31 दिसंबर पूरे साल भर वो मशीन हमारे फॉर्म में रही है। दूसरी कंडीशन, अगर यही मशीनरी 1 अक्टूबर 2018 को परचेस की गई होती तो हम देख रहे हैं कि 2,100 हमने जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया है वो 1 ईयर के लिए, पूरे होल ईयर के लिए है वो, यानी कि 12 मंथ के लिए है। लेकिन अगर ये मशीनरी 1 अक्टूबर को हम खरीदते और 31 दिसंबर में हम इस पे डेप्रिसिएशन चार्ज करते तो ये पूरा अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 3 मंथ का डेप्रिसिएशन ही हमको इस पे कैलकुलेट करना होता। तो ये हम यहाँ पर 2,100 को 3 मंथ में कन्वर्ट कर देंगे, 2,100 × 3/12 यानी 3 मंथ के लिए डेप्रिसिएशन सेकेंड कंडीशन में केवल 525 रुपीज होगा। थर्ड कंडीशन, जबकि मशीन 1 नवंबर 2018 को परचेस की जाती है,
अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अगर हम 1st नवंबर 2018 को परचेस करेंगे और 31st दिसंबर को इस पे डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, तो टोटल हम देख रहे हैं कि केवल 2 मंथ ही तो ये मशीन हमारे पास रही, पूरा नवंबर और पूरा दिसंबर। तो अब यहाँ पर हम केवल 2 मंथ के लिए डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, यानी कि 2100 जो है वो है 12 मंथ के लिए, तो 2 मंथ के लिए कितना होगा, तो 2100 × 2/12 यानी 350 rupees डेप्रिसिएशन थर्ड कंडीशन में 2 मंथ के लिए चार्ज किया जाएगा। अब इसी के साथ आगे हम देखेंगे कि मूल्यह्रास के जब हम कैलकुलेशन करते हैं, सबसे पहले हम संपत्ति खरीदते हैं, फिर मूल्यह्रास की गणना हम करते हैं, और उसके बाद बीच में कई बार हमको संपत्तियों को बेचना होता है या फिर उनसे कुछ हमको क्षतिपूर्ति प्राप्त होती है, तो हम मशीनरी अकाउंट में जब उसकी पोस्टिंग करते हैं तो उसका जो आधार होता है वो पंजी प्रविष्टियाँ होती हैं। तो आइए देखते हैं कि मूल्यह्रास की गणना और मशीनरी खाते का निर्माण, इन सबके बीच में किन किन तरह की पंजी प्रविष्टियों को प्रयोग में लाया जाता है। मूल्यह्रास से संबंधित जनरल प्रविष्टियां, जनरल एंट्रीज रिगार्डिंग डेप्रिसिएशन। व्यवहार पहला, संपत्तियों के क्रय करने पर जनरल एंट्री, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट बीइंग एसेट्स परचेस। संपत्ति खाता विकलन रोकड़ या बैंक खाते से नई संपत्ति क्रय की गई। दूसरा, संपत्ति के स्थापना पर एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट बीइंग एस्टैब्लिशमेंट चार्जेस पेड। संपत्ति खाता डेबिट रोकड़ या बैंक खाता से स्थापना व्यय चुकाए गए। तीसरा, पुरानी संपत्तियों को कार्य योग्य बनाने पर एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट बीइंग एक्सपेंसेस पेड ऑन ऑल एसेट्स टू मेक इट टू वर्केबल कंडीशन। संपत्ति खाता डेबिट रोकड़ या बैंक खाता से पुरानी क्रय की गई संपत्ति पर मरम्मत व्यय किए गए। फोर्थ, संपत्ति पर ह्रास का आयोजन, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट बीइंग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेड। ह्रास खाता डेबिट संपत्ति खाता से संपत्ति पर ह्रास लगाया। फिफ्थ, ह्रास की राशि अपलिखित करने पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट बीइंग द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लाभ हानि खाता डेबिट ह्रास खाता से ह्रास की राशि लाभ हानि खाते में हस्तांतरित की गई। सिक्स, संपत्ति के विक्रय पर कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट बीइंग एसेट्स सोल्ड आउट। रोकड़ या बैंक खाता डेबिट संपत्ति खाता से संपत्ति का नगद विक्रय। सातवां, संपत्ति के विक्रय करने पर एसेट्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बीइंग प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स। संपत्ति खाता डेबिट लाभ हानि खाता से संपत्ति के विक्रय से लाभ। आठवां, संपत्ति के विक्रय पर हानि होने पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट बीइंग लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स। लाभ हानि खाता डेबिट संपत्ति खाता से संपत्ति के विक्रय से हानि।